लखन सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय बोलने वालों की जय। नहीं बोलने वालों की जय। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा श्री तुलसीदास के पद कमल नित बारम बार मना गुन गावम सिया राम के हनुमत हो सहाय। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और सबको मिलके गाना है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम नाम सुना
राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। जय हो, सभी बजाइए राम नाम के लिए, सुंदर ताली मीठी मीठी ताली। श्यावर राम चंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। गौतम नारी श्राप वश उपल दे दरिधि, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवी। बोलिए श्यावर राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्रोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पावन धरा भक्तों के गांव कन्हेरा जा अखिल विश्वनायक त्रिविधि संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं,
साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले परम श्रद्धे पिता तुल्य बुजुर्गगण इस वसुंधरा की गोद में मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बाल वृंद नयुवक साथियों उपस्थित बहनों यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे हैं इस मंच के कुशल सारथी और इस क्षेत्र के एक मानस के मर्मज्ञ हमारे आदरणीय सिन्हा जी आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण एवं रथ को हाँकने वाले हमारे सभी रथवाहक भैया जी और YouTube चैनल वाले भाई साहब साउंड वाले भैया जी आप सभी के श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर एक विकास खंड मंगलूर जिला धमतरी की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जुरी जुरी पानी हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सबके श्री चरण को मैं नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ अभिवादन करता हूँ एवं आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार ताली बजा के हमें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगे बहुत से माताएं आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत से लोग और आने वाले मंडली को देना है ये सोच के वो नहीं दे रहे हैं चलिए जितने भी आदरणीय जन आशीर्वाद दिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सबको सादर प्रणाम सादर नमन प्यारे संतों बैठाने वाला भी कहां से है संचालन जो करते कौन गांव से एक तो का आए हसदा है ना मंच के संचालक भी हसदा से और हम लोग जो बैठे हैं वो लोग भी हसदा से आइए दो हसदा के बीच में कन्हेड़ा का ये पावन धरती जहां पर राम कथा आप सबके बीच कहना है एक बार जोरदार जय घोष करें बोल श्यावर रामचंद्र की बोले शिव रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोले भक्तराज गुहा की श्री राम चरित्र मानस और श्री राम चरित्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड और इस बालकांड के अंतर्गत चर्चा जो करनी है मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण दीप जन सुखदाई राजी विलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई ये छंद से आप लोगों के बीच विचार करना है आप लोगों के बीच भगवान की जो पावन कथा है वो रखने का प्रयास आइए इस छंद के नीचे आए छंद के ऊपर बोले इससे पहले ये जो प्रसंग इनका है इनका हम थोड़ा विचार करें ये जो प्रसंग है अहल्या उद्धार का प्रसंग है संतों अहल्या और ऐसे अहल्या उद्धार के प्रसंग संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी श्री राम चरित मानस में व्यक्त करने का प्रयास किया है आइए उसी प्रसंग को मैं भी अपने मति अनुसार आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तहना ही पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विचेसी गौतम नारी श्राप वश उपल देह दरिदीर चरण कमल रच चाहती कृपा करहु रघुवीर आइए इन पर थोड़ा से विचार करें फिर छन पर चंतन करने का प्रयास करेंगे बाबा तुलसीदास जी लिखे कि आश्रम एक दीख मग माही विश्वामित्र जी कि यज्ञ संपन्न होने के बाद विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी को कहां ले गए तो बोले मिथिला और मिथिला में क्या हो रहा है तो संतों मिथिला में हो रहे धनुष यज्ञ और उसी धनुष यज्ञ को दिखाने के लिए गुरु विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और जीवाचार्य लक्ष्मण जी को अपने साथ ले गए और ऐसे रास्ते में ले गए ऐसे रास्ते में ले गया हरा जो सुनसान था लेकिन उस मार्ग में एक आश्रम था माता आश्रम एक दिक मग माही
माने उस मार्ग में एक आश्रम था और जैसी उस आश्रम को भगवान श्री राम देखते हैं, परमात्मा श्री राम देखते हैं कि उस आश्रम में क्या नहीं है, तो बोले एक खग मृग जीव जंतु तहां नहीं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा, खग खग अर्थात पक्षी। जैसे कोई भी आश्रम होता है तो उस आश्रम में पक्षी होना निश्चित है, लेकिन उस आश्रम में पक्षी नहीं है, कोई चिड़िया नहीं है। भगवान का जिज्ञासा और बढ़ी और क्या देखे, तो बोले चलो पक्षी नहीं तो क्या हुआ, हो सकते हैं उस आश्रम में कोई और वस्तु और कोई पशु हो। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते मृग, मृग माने हिरण। उस आश्रम में हिरण भी नहीं है, एक ना तो पक्षी है ना तो हिरण है और तो और भी जीव जंतु तहां नहीं। जीव जंतु माने छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं प्यारे संतों, उसको कहा जाता है जीव जंतु। तो यहां तक के उस आश्रम में जीव जंतु भी नहीं है। अब इतने ना होने के बाद भगवान की जिज्ञासा बढ़ी, क्योंकि भाई आश्रम है, निर्जन है, सुनसान है, कोई भी नहीं है और कोई भी नहीं है। तब भगवान क्या देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, एक शिला को देखा, एक पत्थर हालांकि जो मूर्ति है, एक पत्थर की जो नारी है, उनको कौन देखा, भगवान श्री राम जी देखते हैं। शिला प्रभु देखिए, परमात्मा राम किनको देखे, तो प्यारे संतों उस शिला को देखे, उस पत्थर को देखे, ये परमात्मा का। अब इतने होने के बाद, इतने पूछने के बाद गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम तुम अहल्या का उद्धार करना चाहते हो ना। देखो गुरुजी का प्रश्न, गुरुजी ने क्या कहा कि हे राम तुम अहल्या का उद्धार करना चाहते हो ना। तो भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र जी से कहते हैं, माताओं नहीं गुरुजी, मैं उद्धार करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं उधार छूटने आया हूँ। बोले देखिए भगवान राम क्या कहते हैं कि गुरुजी मैं तो केवल और केवल उधार छूटने आया हूँ। तो गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम आपका किसका उद्धार भैया, है ना, आप किसके उद्धार लग रहे हो। तो भगवान श्री राम कहते हैं गुरु जी उधार उसी से लिया जाता है जिनसे संबंध हो, जिससे लेन देन हो, उसी से उधार मांगा जाता है। गुरु विश्वामित्र जी को आश्चर्य लगा। फिर गुरु जी ने पूछा भाई कहना क्या चाहते हो, थोड़ा स्पष्ट करो। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि गुरुजी मुझ पर भी उधार क्या है, उधार है। और कैसे उधार, तो एक उधार बोले किनका, भक्त प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद की कथा सुने ना माता, सुने कि नहीं सुने, जोर से बोले सुने ना। ये वही भक्त प्रहलाद है जिनके पिताजी का नाम क्या, हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप जो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता है, ऐसे भगवान विष्णु का उपासक कौन बन गया, भक्त प्रहलाद बन गया। तो हिरण्यकश्यप बहुत तकलीफ दिया भक्त प्रहलाद को, कभी पहाड़ से गिराया गया, कभी उबलते हुए तेल में डाला गया, कभी हाथी के पैर में कुचलने का प्रयास किया, तो और न जाने क्या किया। अंत में है ना होलिका द्वारा उनको आग में भी लेके बैठ गए, लेकिन भगवान को मानने वाला भक्त प्रहलाद को बचा कुछ नहीं कर पाया। अंततः हिरण्यकश्यप थक गया और पूछे कि भक्त प्रहलाद बोल, तेरे ईश्वर कहाँ है। तब भक्त प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी मेरा ईश्वर तो कण कण में है, मेरा भगवान तो जर्रे जर्रे में है। हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया और बोले कि बता बेटा कि तुम्हारा जो परमात्मा इस खंभे में है क्या। तो एक भक्त का विश्वास ने कहा कि हाँ पिताजी मेरा जो ईश्वर है इस खंभे में भी है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने हर गदा से खंभे पर प्रहार किया और वहां से भगवान नरसिंहनाथ प्रकट हो गया। बोल नरसिंहनाथ भगवान की। ये भक्त का विश्वास प्रकट किससे हो गया, पत्थर से। भक्त ने भगवान को किससे, तो बोले एक पत्थर से प्रकट कर दिया। इसलिए गुरुजी आज मुझे भी क्या, तो बोले एक भक्त को क्या करना है, पत्थर से प्रकट करना है। इनका उद्धार है मुझे एक। दूसरा उद्धार किसका बोले, वो द्रौपदी का। द्रौपदी जिनकी कथा आप सुनते हैं जानते हैं, माता द्रौपदी एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई थी
और जैसी मिलने गई थी तो कुछ कारण हर भगवान कृष्ण की उंगली कट गया, और जैसी उंगली कट गया उधर से रुक्मणी माता जो है भगवान की उंगली को बांधने के लिए हन पट्टी ढूंढ रहे, उधर सत्यभामा उधर जामवंती, लेकिन वहीं पर माता द्रौपदी ने अपने जो आंचल है साड़ी के जो आंचल है पल्लू है उनको फाड़ी और सीधा कृष्ण भगवान की उंगली में बांध दी। वहां पर भगवान कृष्ण बोले कि द्रौपदी तुमने अपने नए साड़ी फाड़ के बांध दी। तो वहां पर द्रौपदी कहती कि भैया ये साड़ी उतनी कीमत नहीं है जितना कि तुम आपके हाथ से बाहर आ क्या रक्त है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट हो तो मुझे जरूर याद करना। और आप सबको पता है जब जब माता द्रौपदी का भरे सभा में चीर हरण होता है तो उस समय उनको बचाने के लिए कोई आता है तो केवल और केवल कौन, तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ये उधार की बात किसने, भगवान श्री राम ने गुरु जी के समक्ष रखा। प्यारे संतो इतने बात करने के बाद आज गुरु जी फिर कहते हैं क्या कि लक्ष्मणा कि ठीक है जैसा तुम चाहते हो कृपा करो, किनका इस नारी के ऊपर कृपा करो। और क्या क्या कृपा किया तो भगवान ने सबसे पहला कृपा किया पूछा नहीं शिला प्रभु देखी। देखो पहला कृपा क्या, वाणी की कृपा। पूछा माने किसने पूछा, भगवान श्री राम ने पूछा, इसलिए यहाँ पर वाणी की कृपा हो गया। उसके बाद शिला प्रभु देखी माने परमात्मा ने उस पत्थर को है ना क्या करते हैं तो बोले वो पत्थर देखे और पत्थर देखे तब गुरुजी ने देखे तो यहाँ पर क्या तो बोले दृष्टि की कृपा। उसके पश्चात परमात्मा इशारा तो किए होंगे भैया है ना कि पत्थर है ये कौन सी नारी है, इशारा किए होंगे इसलिए क्या तो बोले हाथ की कृपा। और सकल कथा मुनि कहा विशेषी और उन्होंने कथा अर्थात कान से सुना तो इस प्रकार से किनकी तो प्यारे संतों कान की कृपा। ये चार कृपा भगवान श्री राम किनके करते हैं तो माता अहल्या के करते हैं। और उसके पश्चात गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर दी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अब ये पत्थर क्यों बने हैं सभी को पता है ना कि गौतम की नारी है और गौतम ने है ना उनको श्राप दे दिया किनके कारण तो बोले है ना इंद्र जो है अहल्या के साथ है ना गलत संबंध बना दिए किसके रूप में बनकर तो बोले गौतम के रूप में बनकर तो इंद्र को श्राप दिया हजार तुम्हारे शरीर में छिद्र हो जाए और इनको क्या पत्थर होने का। तो आइए संतों ये तो पत्थर बनी हुई है आगे बाबा तुलसीदास जी अब क्या कहते हैं इन पर विचार करने का प्रयास करें। बोलिए सब रामचंद्र की कहते ना चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं और जेकर दांत की हुई वो चना खा सकी का है नहीं तुमन बताओ भाई जेकर दांत नहीं वो चना खाई वो नहीं खा सका। तो चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं और ताली वही बजाते हैं जिनके दो हाथ होते हैं हाथ होते हैं। और राम कथा में मुस्कुराइए ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है प्लीज स्माइल कीजिए बड़ा अच्छा लगता है बड़ा अच्छा लगता है हंसते रहिए। बोलिए शिव रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। आइए सब मिलकर के इस भजन को गाएंगे और उत्सव भी मनाएंगे क्योंकि भगवान राम तो आ गए हैं पता है ना सबको पता होगा। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। कौन बता सकते हैं कौन से नारा छा गए बतावा थे बहनी जय श्री राम।
जतका जन बैठे हैं भगवान के लईका हरा हम काकर लईका अपन आप ल सियान मत मान हो काकर चुंदी पाक के हो सब लईका हरा इसलिए इस भगवान के भजन में सब लोग जुड़े ठीक है सबको बोलना है भगवान का नाम जय श्री राम बोलो जय श्री राम 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 जय श्री राम जय हो बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम हर घर में अब से तू बना दिया
आपके पास है जी भैया, इसलिए जय श्री राम बोलना पड़ेगा। बस बस सबको बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ओके, जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, फिर बोल दीजिए एक बार, जय जय श्री राम। गौतम नारी श्रापवश उपल दे धरिधीर, चरण कमर चाहती कृपा करो रघुवीर। देखो भगवान श्री राम चार कृपा किया और चार कृपा करने के बाद बाबा तुलसीदास जी रामचंद्र मानस में लिखते कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह दरिदीर, चरण कमर चाहती कृपा करहु रघुवीर। के हे राम, इस पाषाण मूर्ति को, इस पाषाण नारी कौन है, ऐसा तुम्हारा प्रश्न है। तब गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये गौतम की नारी है, गौतम की नारी है, और गौतम की नारी है श्राप बस। देखो यहां पर बाबा तुलसीदास जी क्या लिखा, श्राप बस न कि पाप बस। तो बाबा तुलसीदास जी लिखे कि गौतम नारी श्राप बस, तो श्राप के कारण ये क्या है, तो बोले ये पत्थर की देह धारण किए हुए है और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। देखो गुरुजी कहते हैं कि हे राम, ये तुम्हारे चरण के कमल चाहते, चरण कमल के रथ चाहते हैं, इसलिए तुम इन पर कृपा कर दो, इन पर क्या कर दो, कृपा कर दो। तब गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि गुरुजी ये तो एक नारी है और दूसरा एक ब्राह्मण नारी है और मैं एक क्षत्रिय हूं, यदि मैं चरण स्पर्श करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे क्या पड़ेगा, तो बोले पाप पड़ेगा, इसलिए गुरुजी ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तब गुरु विश्वामित्र जी कहते कि हे राम, तुम भी एक बार नारी बन चुके हो, एक तो कौन से, तो बोले मोहनी रूप में बताया भगवान शंकर वाली घटना, और दूसरा कौन से, तो बोले एक जब राक्षस और देवताओं के बीच समुद्र मंथन किया गया, तो उस समुद्र मंथन में क्या निकला, तो बोले अमृत निकला, और वो अमृत किसके हाथ में आ गया, तो राक्षसों के हाथ में। तो अमृत को लेने के लिए उस समय मोहिनी के रूप में आए, तो तुम भी तो नारी बन चुके हो ना, इसलिए तुमको किसी प्रकार के पाप नहीं लगेंगे। एक दूसरा, आप बोले कि ये ब्राह्मण है ना, नारी है, तो आप भी तो एक बार ब्राह्मण बन चुके हो, कब, बलि को छलने के लिए बलि की यज्ञशाला में कौन सा रूप बना के, चलो माताएं लोग बताएंगे, बलि के यज्ञशाला में भगवान विष्णु कौन सा अवतार में गिरी, सुबह मत्स्य अवतार में कहते हैं, हाँ वामन अवतार, जोरदार ताली बजाओ पहली बार, वामन अवतार, तो वो भी तो एक ब्राह्मण है, इसलिए तुम ब्राह्मण भी तुम के रूप में आ चुके हो, इसलिए तुम्हें कुछ पाप नहीं लगेगा। भगवान श्री राम जी गुरु की बात को मान के, प्यारे संतों क्या, तो बोले चरण कमल चाहती कृपा करहु रघुवीर, इसलिए राम आपके चरण कमल के इनको क्या चाहिए, तो केवल स्पर्श चाहिए और इससे उनका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। देखिए किसी ने पूछा कि अहल्या जो है
भगवान से उनके चरण कमल के धूल क्या क्यों चाहती है? चरण कमल के धूल क्यों चाहती है? वो आंख से क्यों नहीं? तो भैया आंख से भगवान इसलिए नहीं, माता अहल्या जो है आंख से इसलिए नहीं चाहती कि यदि भगवान मुझे देखेंगे, देखो अहल्या का भाव, जब भगवान राम मेरे तरफ देखेंगे तो उनको केवल और केवल मुझ में दोष नजर आएंगे। क्या दोष? कि यही गौतम नारी है जिन्होंने पति के अनुपस्थिति में पर पुरुष के साथ अपना क्या बना लिया, तो संबंध बना लिया। ये दोष राम को नजर आएंगे और उस स्थिति में शायद राम मेरा कल्याण ना करे, राम उस स्थिति में मेरा उद्धार ना करे, मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए भैया मैं तो केवल और केवल राम के जो चरण के रज है वही से चाहती हूँ। क्यों? कि जिस रज के कारण, रज बने शक्ति, जिस रज के कारण मेरा पतन हुआ है, जिस रज के कारण मेरा हरा दुर्गति हुई है, मैं उसी रज से अपना सदगति चाहती हूँ, उसी रज से मैं अपना उत्थान चाहती हूँ। काम रज के कारण, काम रज के कारण मेरा पतन हो गया, लेकिन आज राम रज से मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। ये कौन? तो माता अहल्या की विचार। इसलिए गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, आपके चरण कमल की ये धूल चाहती है, इसलिए इन पर क्या कर दो? कृपा कर दो। देखो कृपा करो बोले, एक तो होता है हरि कृपा, दूसरा होता है हरि इच्छा। जो भगवान तक के जाए उसको शरणागत कहते हैं, और जो भगवान तक के ना पहुंच सके वो कौन है? तो बोले कृपा है। जैसे मागी नावन के वटियाना, कहो तुम्हार मरम में जाना। केवट के ऊपर भी कृपा किया भगवान, क्योंकि केवट भी गंगा के घाट में रोज नाव चलाने का काम करता है, डोंगा चलाने का काम करता है। कौन? केवट करता है। इसलिए केवट के ऊपर भी भगवान राम ने कृपा किया, और आज माता अहल्या के ऊपर भी भगवान श्री राम क्या करते हैं? तो कृपा करते हैं। और कृपा कैसे हुए? तो दो चीज से हुआ संत, याद रखना है ना, केवल राम के चरण के स्पर्श से नहीं, बल्कि दो चीज से। एक क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। याद रखिए, भगवान राम को ये पता है कि अहल्या तो पत्थर की है, इसलिए ये गुरु जी के पास नहीं जा सकती, और गुरु के दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है। एक गुरु के दर्शन से है ना मानव के जीवन का उद्धार हो जाता है। तो चलो मैं अपने गुरु जी का इनको क्या करा दूं, ये दर्शन करा दूं। इसलिए अहल्या को गुरु जी का दर्शन करवा दिया। एक दूसरा, अब ये बिचारी कथा भी नहीं सुन सकती, तो चलो हम ही कथा कह दे है ना। तो दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरा क्या? तो कथा। ये दो चीज और हुआ, और इन्हीं सब के कारण अहल्या का उद्धार हो गया। कहने का मतलब ये है माताओं कि हमारी जो भी बुद्धि क्या है, जड़ है, पत्थर है, और ये जड़ बनी बुद्धि को सत्संग की आवश्यकता है, ये जड़ बुद्धि को गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपके हमारे भी बुद्धि को यदि गुरु मिल जाए और सत्संग मिल जाए, परमात्मा के कथा मिल जाए, तो मान के चलिए हमारा जो पत्थर बनी बुद्धि है वो भी चेतन हो जाएगा। कब? जब गुरु जी की कृपा होगी, तब भगवान राम की कृपा होंगे तब। और इस तरह से भगवान श्री राम गुरु जी के कहने पर जैसी चरण का स्पर्श किया, और जैसी चरण के स्पर्श से धूल स्पर्श हुआ, वैसे ही वो पत्थर जो है अहल्या क्या हो गई? प्रकट हो गई। बोलिए अहल्या माता की। आज पत्थर बनी जो अहल्या है वो क्या हो गई? प्रकट हो गई। पर सदपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। आज जैसी चरण स्पर्श हुए वो क्या? तो पत्थर की जो नारी अहल्या है वो प्रगट हो गई, और जैसी प्रगट हुई तो वो कैसी? तो बोले तपो मूर्ति, तपो मूर्ति, जैसे कोई तपस्या कर रहा हो। वैसे गौतम जी ने श्राप तो दिया, लेकिन उनको ये भी कहा कि जा, मैं श्राप तो देता हूँ लेकिन पत्थर तो बने रहेगी, लेकिन तुम्हारे भीतर प्राण रहेंगे, तुम्हारे अंदर चेतन रहेंगे,
इसीलिए आज उनको क्या कहा गया, तपो मूर्ति कहा गया। जैसी पत्थर से बनी अहल्या प्रकट होती है, प्रकट हुई तो उनकी तुलना बाबा तुलसीदास जी ने किससे किया, तपो मूर्ति से किया। तपो मूर्ति माने कोई तपस्या करे, तपस्या के लिए बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, आना मौन होकर बैठे हैं, तो उसी को कहा जाता है तपो मूर्ति। और ऐसे तपो मूर्ति के रूप में प्रकट हो गई। भगवान श्री राम को देखे और देखते हैं तो भगवान राम को अपने सामने देखते हैं, हाथ जोड़ ली और हाथ जोड़ के आज उनके मुख में अत्यधिक प्रेम के कारण कोई वचन नहीं निकलते। और प्यारे संतो उनके आंखों से प्रेम और आनंद की है ना, प्रेम और आनंद की क्या आंसू निकल रहे हैं। और आंसू निकल रहे हैं फिर उसके जीवन में धैर्यता आती है परमात्मा को पहचाने। और परमात्मा को पहचानने के बाद आज वही अहल्या भगवान श्री राम से और क्या कहती है। आइए संतो पुनः एक भजन से जुड़े। बोल श्याम रामचंद्र की कते ना सरसों के फूल पियर पियर। देखे कि नहीं देखे, वो देखे हो ना, अब नहीं देखे होता मैं समझ जाऊं। सरसों के फूल पियर पियर, परसा के फूल लाली लाली, और तुमन बैठे हो खाली, जोरदार बजा दो राम नाम के लिए ताली। जय जय श्री राम। लखन सिया राम चंद्र की जय। आज कलयुग में सब कुछ हो रहा है, कहीं पर श्री राम की कथा तो कहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा, कहीं पर और कुछ धार्मिक आयोजन, कहीं पर सत्संग। बावजूद आदमी के जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। आज अयोध्या की गलियों में रावण का डेरा हो गया है। आज हमारी माता बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। और आज भरत और शत्रुघ्न जैसे लक्ष्मण जैसे भाई नहीं है। आज कौशल्या जैसी माँ नहीं है। और इन्हीं बातों को लेकर के एक संत का हृदय क्या कहता है, इस भजन के माध्यम से आप सुनेंगे। एक संत जो है भगवान रामलला का दर्शन करके वो क्या कहना चाहते हैं, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, इस भजन में वो अपनी प्रार्थना निवेदित करते हैं और कहते हैं। दैही दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, धन्य था वो राम राज्य, धन्य था वो राम राज्य। एक संत अयोध्या का दर्शन करके सरयू नदी के किनारे आता है। ये वही सरयू नदी है जिस पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी। उसी सरयू मैया को अयोध्या का दुखड़ा सुनाता है और कहता है, सरयू मैया तेरे जल में ही राम समाए थे, आज अयोध्या रूपी मेरे भारत देश को राम की बड़ी आवश्यकता है। कुछ नहीं, मीठी मीठी ताली बजाइए, सीताराम सीताराम कहिए। जय सीताराम।
मैया आज अयोध्या रूपी इस देश में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। बोलो राम सीताराम बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अच्छा पीला बत्ती, चलिए पीला बत्ती जल चुकी है और पुनः धन्यवाद। बोलिए शिव रामचंद्र की जय, पौर्णचंद्र हनुमान की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। क्यों भाई आवाज कैसे नहीं है? मुंह बसला मत तुलाओ, थोड़ा जोर से आवाज भी करो, ठीक है? जय जय श्री राम। चोने में रंगाया है हो, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, 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 भगवान रंग रंग, भगवान रंग रंग, भगवान रंग रंग, जय श्री राम।
ये वो रंग है जो श्री राम जी के मन को भाया है, ये वो रंग है जो श्री राम जी के मन को भाया है। अवध को छोड़ते समय प्रभु ने तन रंगाया है। हो मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, भजन में मिठास होती है जैसे मधुरस में प्याली। अजी भजन में मिठास होती है जैसे मधुरस में प्याली। एक बार जोरदार बजा दो ताली। आप लोग क्यों बैठे हैं खाली? जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और निश्चित रूप से अभी आप और हम सब जुड़े हुए थे सत्संग सरिता मानस परिवार हंसदा नंबर वन, है ना? हंसदा जब आते हैं ना तो निश्चित रूप से जतका भक्त है वो सब हंसत रह जाते हैं, है ना? कोई परिचय के मोहताज नहीं है परमादरणीय गुरु शरण जी, जिन्हा पूरा देश दुनिया में हमर छत्तीसगढ़ के बिंदी बन के पूरा महावत है। और यही तो हमें इस धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, है ना? निश्चित रूप से अपन कर्तव्य पथ में चल करके छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के जो मानस के क्षेत्र में जो प्रचलित एक मंडली है सत्संग सरिता मानस परिवार, जो आज ये पावन भूमि में ये ज्ञान मंच में पहुंच करके ये मंच के आभाल बढ़ाई से एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, है ना? भक्त नहीं भगवान बड़े यह वेद पुराण कहा करते हैं, है ना? और भगवान जो है भक्त के जो उनकी जो इच्छा है, भगवान से अगर वरदान मांगना है ना तो विनम्र होने लगती। अधम से अधम अधम अति नारी, है ना? माता सबरी जब मंगिस तो अधम से उन भील नीचे की तब भगवान ऊपर कृपा करते, है ना? मीरा मीराबाई देखो, है ना? बोला धन के रूप में करीस लेकिन बोला कभी घमंड नहीं हो इसकी, बोला भगवान की प्राप्ति हो गए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सदगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और निश्चित रूप से आपके सम्मान में श्री रतन निषाद जी द्वारा 22 रुपया और बहादुर साहू जी द्वारा 101 रुपया की इसने राशि। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। और आपके जो प्रस्तुति से प्रभावित होकर के ढेर सारी श्रद्धा पुष्प की वर्षा हमारे दर्शक दीर्घमन की ओर से प्राप्त हो है। एक पश्चात तैयार रही जय माँ कर्मा महिला मानस मंडली फरसिया नगरी छत्तीसगढ़ के बहिनी मल्ल में सादर आमंत्रण भेजो। आप अपन तैयारी पूर्ण करके मंच के प्रवेश द्वार के ठीक सामने अंदर में आपके लिए रथ केवड़ जी के पूरा सजे हुए हैं। आप उपे विराजमान हो की कृपा करो। मानसी रेणुका की ओर से पूनम दुलारी बंजारे आप सभी की ओर से ऋषि 50 रुपया जोरदार ताली बजाओ। और विधान की ओर से 10 रुपया हितेश्वरी निषाद 50 रुपया संतोषी खेदिया निषाद छेदन की ओर से 10 रुपया सरस्वती खुशी की ओर से 20 रुपया और कांति चैतराम निषाद की ओर से 20 रुपया शांति यादव 20 रुपया कांताराम निषाद 20 रुपया सागर यादव 10 रुपया दसोदा 10 रुपया और कुसुम यादव 10 रुपया राही 20 रुपया कुणाल नील यादव 20 रुपया अलेन देव निषाद आपकी ओर से भी 20 रुपये की श्रद्धा पुष्प सादर समर्पित हो है। और जम्मो सम्मान की राशि ला आप तक भेंट करे बर निश्चित रूप से हमारे गांव के जो मुखिया परमादरणीय प्रधान
और वरिष्ठ कृषक परमादरणीय श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे बीच में विराजमान हैं, संगे संग परमादरणीय श्री ठेका ठेकेदार परमादरणीय श्री जीवन भैया जी विराजमान हैं जो रायपुर से पहुंचे हुए हैं। आप दोनों से वो करबद्ध प्रार्थना है कि आप आओ और हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के प्रचलित मंडली सत्संग सरिता मानस परिवार के संत मन विराजमान हैं। अपन हस्त कमल से हमारे संत मन के विदाई सम्मान में भाग लेके कृपा करो परमादरणीय श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी और परमादरणीय ठेकेदार जीवन भैया जी, आप दोनों आइएगा और मैं सादर आमंत्रण भेजू। जय माँ कर्मा महिला मानस मंडली फरसिया नगरी, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान बढ़े न बढ़े पर भक्त कमान न टलते देखा, अपना मान बढ़े न बढ़े पर भक्त कमान न टलते देखा। ऐसी माता अहिल्या जो जड़मती होने के बाद भी जब प्रभु के पद को प्राप्त करते हैं तो अपने आप को अपावनी मानते हैं, है ना, जबकि इस अखिल हमारे भारत देश की जो बिंदिया है वह माँ भारत माँ माँ कबीरा की साखी जैसी माँ तुलसी की चौपाई है और माँ मीरा की पदावली है, अमर खुसरो की अमर रुबाई है, खुसरो की अमर रुबाई है, माँ तोर महिमा जग माहे महान वो और कैसे करो मैं माता तोर बखान वो, यत्र नारियस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह नारी की जो सम्मान हमारे देश में हमारे भारत में जो बना हुआ है निश्चित रूप से जिनके कारण से रामचरितमानस में जितने भी कथा है महतारी है ना, तो का के कथा है अजी आगे आगे राम चलत है पाछे में लक्ष्मण भाई मोर राम, अजी मांझे मांझे लन सिया जान की चित्रकूट भर जाई मोर राम। भक्ति के प्राप्ति ही एकमात्र साधन है, माता जगत जननी जगदम्बिका ला भक्ति के उपाधि दे गए दीजिए संतो राघवेंद्र सरकार के असीम अनुकंपा से, यह मनसस्ता है संवरता है तो आपका स्नेह आपका प्यार आपका दुलार इस मंच को निरंतर मिलता रहेगा। इन्हीं पावन भाव के साथ हम आपको इस मंच से सादर से सम्मान विदा प्रदान करते हैं। विदा मेरे संतों, विदा है मेरे भक्तों, विदा विदा विदा, श्रद्धाओं की फूल है प्रेम की है डाली।